जैसे कि हरियाणा आपकी मूवी का नाम है, तो हरियाणा को आप लोग कितना अपने दिल में रखते हो, क्या है? मैं हरियाणा से ही हूँ, I was born there, तो उसी मिट्टी का हूँ, तो मैं जब भी जाना होता है तो मतलब क्या बोलेंगे, मतलब एक जो उसका एहसास ही अलग है। मैं हरियाणा से नहीं हूँ, मैं महाराष्ट्र में हूँ। मैं पहली बार हरियाणा गई जब इस पिक्चर की शूटिंग हुई थी, और बहुत लंबे अरसे तक वहाँ पे रही भी मैं। पहली बार मैं गांव में गई, और हरियाणा के गांव का जो रहन सहन है वो मैंने देखा, और जो कहते हैं ना दूध दही घी का खाना, वो मैंने खाया वहाँ पे। तो एक अलग वातावरण होता है, एक अलग माहौल होता है, बहुत सुंदर होता है। वहाँ की सर्दी देखी मैंने, और बहुत अच्छा लगा वहाँ रह के। जैसे कि आप दोनों का कैरेक्टर सर, आपको तो एकदम वो दिखाया गया कि आप घर के बड़े हैं, काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और मैम आपके दोनों का लव स्टोरी भी काफ़ी अच्छा है, तो थोड़ा कुछ अपने कैरेक्टर के बारे में ब्रीफली एक्सप्लेन करना चाहेंगे। मेरे कैरेक्टर के या इनके साथ से अपने कैरेक्टर के बारे में, देखिए सबसे बड़ा है, जैसे आप जानती हैं महेंद्र नाम है, और कहीं ना कहीं बचपन में माता पिता की डेथ हो गई थी, और तीन भाई थे हम लोग, तो कहीं ना कहीं इसने ही जिम्मा उठाया, जिम्मेदार बना, और पूरे खेती बाड़ी से लेकर ट्रांसपोर्टेशन धंधा वगैरह जो भी है सब इसी ने सेट किया। तो कहीं ना कहीं एक बच्चा होता है ना जो जिम्मेदार ही रह जाता है जीवन में, शादी ब्याह भी करना होता है खुद का, वो कभी सोचा ही नहीं उसने। फिर एक समय आता है जहाँ बिमला का कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है, कहीं ना कहीं मेरे जो चाचा ताऊ हैं पीछे पड़े हैं, अब तो कर ले शादी तो ये वो, तो तब इनके घर पे इनको देखने के लिए महेंद्र जाता है। फिर कैसे हालात होते हैं, क्योंकि वो कभी उसने लड़की से बात इस तरह की कभी बातचीत भी नहीं है, अभी रिश्ते की बात हो रही है, तो वो कहीं ना कहीं वो शर्म है, मतलब वैसा उस तरह का कैरेक्टर है। मेरे कैरेक्टर का नाम है बिमला। बिमला गांव की एक लड़की है। गांव में अक्सर लड़कियों की शादी 15 से 16 साल की उम्र में हो जाती है, और बिमला 30 से ऊपर की एक लड़की दिखाई है गांव की, जो जिसके सपने हैं वो पढ़ना चाहती है, वो लिखना चाहती है, वो एक ऐसे इंसान से शादी करना चाहती है जिसे वो प्यार करती है। तो ये उसके कुछ छोटे से सपने हैं, और बहुत सालों तक वो अपने माँ बाप से झगड़ झगड़ के नहीं करती, हर रिश्ते को ठुकरा देती है। लेकिन क्या होता है जब महेंद्र उससे मिलने आता है और उनके रिश्ते की बात चलती है, तो क्या बिमला को महेंद्र से प्यार होता है, और उनकी कहानी कैसे आगे बढ़ती है, ये हम मेरी कहानी है और इनके साथ मेरा वो रिलेशनशिप दिखाया। अब जैसे पहली बार महेंद्र से जो प्यार शब्द है वो इन्हीं से ही सुनने को मिलता है कि भाई क्या आप चाहती के बाद प्यार करोगे कि भी या नहीं, तो मेरे हिसाब से तो मेरा प्यार मतलब माँ बाप से प्यार किया जाता है, भाइयों से प्यार किया, मतलब लड़की से प्यार, तो वो उस तरह से ऑर्थोडॉक्स भी है कि वैसे विचार कभी समझ रहे हैं हम कि मतलब हाँ बीवी तो पत्नी और वैसे वाला ही, लेकिन लड़की है जो सीधे सीधे आपसे पूछ रही है मतलब आदमी, तो उसको बात समझ में नहीं आती ये कौन से वाले उसके लिए प्यार है, भाई ऐसे जो भी हैं उनको इकट्ठा रखना। तो कुछ कुछ चीज़ें बिमला से महेंद्र को सीखने को मिलती, मतलब जो उसने कभी सोची नहीं थी। मतलब आजकल की जो फिल्में बन रही है वो काफी ज्यादा अलग है, तो मतलब क्या कुछ आपके एक्सपेक्टेशन है ऑडियंस से फिल्म को लेकर? ऑडियंस से यही एक्सपेक्टेशन है, वो हमारी पिक्चर को बहुत प्यार से देखें और खूब बार देखें जी। और जैसे कि आप दोनों का कैरेक्टर भी बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है, तो मतलब क्या कुछ आपको चैलेंजिंग लगा आपको ये रोल प्ले करने को? देखिए चैलेंजिंग मेरे लिए अपने डायरेक्टर को वो जैसे ओके बोलते हैं तो आई एम फुली सेटिस्फाइड, लेकिन टिल द टाइम ही इज नॉट ओके तो देयर इज सम प्रॉब्लम। तो बस वही है जद्दोजहद कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या चाहते हैं, व्हाट्स द रिक्वायरमेंट, क्या होता है कोई अगर लंबा सीन है तो उसको इमोशनली करेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, वरना वो होल्ड नहीं करेगा। तो उसके लिए डायरेक्टर की समझ कि उन्होंने क्या सोच के क्या लिखा है, उनकी क्या डिमांड है, वही पूरा करना जो है, दैट वाज द चैलेंज। मेरे लिए चैलेंज तो ज़्यादा कुछ था नहीं, क्योंकि मैं बिमला से बहुत आइडेंटिफाई करती हूँ। मैं खुद एक शहर की लड़की हूँ, मुझे फ्रीडम मिली है अपनी ज़िंदगी जीने की। बिमला कहीं ना कहीं यही फ्रीडम चाहती है या उसी फ्रीडम से जी रही है गांव में। बट मुझे अच्छा लगा कि मैं अपनी पहली पिक्चर में एक ऐसा किरदार निभा रही हूँ जिसका एक मॉरल है, एक मैसेज है,
और इस पिक्चर का भी एक मैसेज है, हमने कुछ पिक्चर में कुछ मैसेज देने की कोशिश नहीं की है, पूरी पिक्चर बहुत लाइट हार्टेड है तीन भाइयों की कहानी, लेकिन कैसे इन तीन भाइयों को प्यार होता है और प्यार के बाद कैसे उनकी कहानी आगे बढ़ती है, ये वो कहानी है। चैलेंजेस हम सबके लिए शायद सिर्फ यही थे कि जैसे पूरी इंडस्ट्री को चैलेंज हुआ था एक पैंडेमिक का और कैसे शूटिंग हुई थी पैंडेमिक के थ्रू, ये हमारे चैलेंजेस थे, बाकी ऐसा कोई चैलेंज हम लोगों ने फेस किया नहीं। जैसे कि सेट में सबसे ज़्यादा बॉन्डिंग किसके साथ अच्छी थी और सबसे ज़्यादा मस्ती कौन करता था? सबसे ज़्यादा मस्ती हमारे क्रिएटिव डायरेक्टर स्वप्निल। मस्ती इन द सेंस वही आपस में, बिकॉज अदरवाइज जितना मुझे याद है मैं शूटिंग के दौरान तो बहुत ज्यादा वैसे इंटरेक्टिव नहीं रहता था क्योंकि इनके पास समय ही नहीं होता था, क्योंकि मेन कैरेक्टर यही निभा रहे थे, तो इनको हर कहानी में इनका एक क्या कहते हैं, एक मौजूदगी थी, ये हर स्टोरी में हर सीन में इनकी एक रिक्वायरमेंट थी, तो सर ने सबसे ज्यादा काम किया है तो वो नहीं वो मस्ती का माहौल एक्सपीरियंस कर पाए। मैंने एक्चुअली जब जुगनू के जो फ्रेंड्स हैं इसमें आकर्षण जो प्ले कर रहे हैं उनके दोस्त दिखाए हैं, वो काफ़ी यंग एज ग्रुप के हैं, वो बहुत मस्ती करते थे तो थोड़ा बहुत टाइम मिलता था उनके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, बाकी मुझे तो एक्चुअली ध्यान नहीं है, मेरे को तो वैरिटी वैन शूटिंग सर को ज्यादा। हरियाणा मूवी में दिखाया तीन भाइयों में कैसे प्यार है, उनको अलग अलग लड़कियों से प्यार है, देखिए आपका क्या मानना आज के दौर में ऐसे भाई होते हैं? होने चाहिए होंगे भी वो, मतलब बिल्कुल ही होंगे। फैंस को मैं यही कहना चाहूँगा कि बहुत प्यार से, बहुत प्रेम से, बहुत मेहनत से ये फिल्म बनाई गई है और हम सभी एक्टर्स ने बहुत मेहनत की है और बहुत सुंदर फिल्म बनी है, तो मैं सभी फैंस को बोलना चाहूँगा प्लीज आकर फिल्म देखिए। मैं भी यही कहना चाहूँगी कि एक बहुत अच्छा दौर शुरू हो चुका है वापस की, जबकि हमारे सारे सिनेमा हॉल्स खुल चुके हैं, फुल कैपेसिटी में खुल चुके हैं, सब लोग आजकल पिक्चर देखने जा रहे हैं। दो साल के बाद जब पैंडेमिक की वजह से हम लोग नहीं देख पा रहे थे पिक्चरें सिनेमा हॉल में और हमारी मूवी इंडस्ट्री का बिजनेस भी बहुत कम हो चुका था इसकी वजह से, आज ये टाइम है कि बहुत बड़ी बड़ी पिक्चरें, छोटी पिक्चरें, कहानियाँ जिनमें कंटेंट किंग होता है जब कहते हैं आजकल, वो बहुत सारी ऐसी पिक्चरें निकल रही हैं, उनमें से एक पिक्चर हमारी है हरियाणा जो 5 अगस्त को आ रही है, प्लीज़ हमें ढेर सारा प्यार दें और प्लीज़ हमारी पिक्चर आके देखें। थैंक यू थैंक यू सो मच।